फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए रुद्रा होम रेमेडीज को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो को सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्र होम रेमेडीज। दोस्तों आज का जो टॉपिक है उससे बहुत लोग परेशान हैं और वो है अनिद्रा। दोस्तों बेहतर स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी होता है। आधुनिक जीवन शैली की वजह से लोग अनिद्रा के शिकार होते जा रहे हैं। देर तक कंप्यूटर, स्मार्टफोन पर काम करना और चैटिंग करने जैसी गतिविधियों के कारण देर तक जागते रहने से भी अनिद्रा की समस्या देखने को मिलती है। इससे निजात पाने के लिए लोग तमाम तरह के उपचार करते हैं लेकिन कोई खास फर्क नहीं दिखाई देता। तो इसके लिए आज हम आपको एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बता रहे हैं जिसके सेवन से आप आसानी से इस समस्या का समाधान पा सकेंगे। दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि जायफल का प्रयोग हमारे घरों में मसालों के तौर पर किया जाता है जो स्वास्थ्यवर्धक होता है, लेकिन कई रिसर्च में ये भी बात सामने आ चुकी है कि जायफल के चुटकी भर सेवन से अनिद्रा की समस्या दूर करने में मदद मिलती है। आपको बता दें कि जायफल में ट्राइमायरिस्टिन नामक का केमिकल होता है जो मसल्स और नर्व को आराम पहुंचाता है जिससे हमें अच्छी नींद आती है। जायफल के दूसरे प्राकृतिक उदाहरणों में मायरिस्टिसिन, एलिमिसिन, सैफ्रोन या यूगेनॉल नाम की औषधि का गुण होता है जो हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। हालांकि एक बात जरूर ध्यान रखें कि जायफल का सेवन अधिक मात्रा में करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी है। वैसे चुटकी भर जायफल पर्याप्त होता है। आइए जानते हैं कि इसे सेवन कैसे करना है। एक चुटकी जायफल पाउडर में एक छोटा चम्मच शहद मिलाकर सोने के 15 मिनट पहले लें, नींद अच्छी आएगी। एक कटोरी पानी में जायफल को डालकर उबालें। एक बार पानी उबल जाने के बाद आंच से उतारकर छान लें। डिनर लेने के बाद इसे चाय की तरह पिए और शरीर को सोने के लिए तैयार करें। अगर आप सोने से पहले दूध पीते हैं तो इसमें एक छोटा चम्मच जायफल भी मिला लें। यह शरीर से सेरोटोनिन और मेलाटोनिन की लेवल को बढ़ाकर अच्छी नींद लाने में मदद करती है। एक गिलास आंवले का जूस में एक चुटकी जायफल मिलाकर पीने से खाना अच्छी तरह हजम होता है और नींद बेहतर तरीके से हो पाती है। अगर आप जायफल को दूध या चाय में मिलाकर नहीं पीना चाहते हैं तो आप डिनर की रेसिपी यानी करी, सूप या दही में मिलाकर भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक चुटकी जायफल एक गिलास पानी के साथ भी ले सकते हैं। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी वैद्यों के राय के मुताबिक होते हैं, तो स्वस्थ शरीर और सुंदर काया के लिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों में भी शेयर करें। बाय दोस्तों, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।